एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जा रहे हैं पुष्कर, अजमेर से 14 किलोमीटर दूरी है, हमारे बहुत पास में है। और हम लोग बड़े बड़े त्योहारों पे, व्रतों पे चले जाते हैं, वहाँ पे मैं दीपक जलाऊंगी और परिक्रमा करूंगी। तो आप भी मेरे साथ में परिक्रमा करिए, देखिए मैं किस तरह से परिक्रमा करती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सुबह सुबह का मौसम है, देखिए मौसम कितना सुहाना है। उधर दिखाइए, हमारा आना सागर है अजमेर में, ये आना सागर का बहुत पुष्कर के दर्शन करवाते हैं, चलिए मेरे साथ में। देखिए सुबह सुबह का टाइम है, सड़कें एकदम खाली पड़ी है और हम लोग जा रहे हैं पुष्कर। पुष्कर में मैं परिक्रमा में आपको 52 घाट के दर्शन करवाऊंगी, और साथ ही मैं, जैसे कि हम लोग यमुना मैया को चुनरी महोत्सव करते हैं, गंगा मैया का चुनरी महोत्सव करते हैं, वैसे ही आज पुष्कर के अंदर पगड़ी महोत्सव है। तो पगड़ी महोत्सव कैसे करते हैं और कौन कर रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। आप बने रहेंगे तो आप पुष्कर सरोवर के दर्शन कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए ये कैमल सफारी कर लेंगे, यहाँ पे कैमल सफारी भी की जाती है, बहुत सारी जगह है पुष्कर में घूमने लायक। लेकिन आज हम केवल पुष्कर सरोवर की परिक्रमा का वीडियो बना रहे हैं और परिक्रमा ही करेंगे, क्योंकि आज एकादशी। तो सबसे पहले मैं यहीं से आपको पूरे पुष्कर सरोवर के दर्शन करवा देती हूँ। देखिए यहीं से शुरू हो जाती है हमारी परिक्रमा, आप लोग अच्छे से दर्शन कर लीजिए। बोलिए पुष्कर महाराज की जय। तीर्थों का गुरु कहा गया है, किसी भी तीर्थ में आप स्नान कर लीजिए, अगर आप पुष्कर नहीं आते हो तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। हम लोग भी अभी यात्रा करके आए थे और आज एकादशी थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज पुष्कर की परिक्रमा भी की जाएगी और आप लोगों को भी दर्शन करवाए जाएंगे पुष्कर के। यहाँ से सबसे पहले हम संकल्प करेंगे और संकल्प करके परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर ये बतख, कितने सुंदर लग रहे हैं। ओम मासे नाम मासे मासे पुण्य पवित्र मासे आशोज मासे कृष्ण पक्षे एकादशी इंद्रा एकादशी। परिक्रमा के साथ ही हम जाप करते हुए चलेंगे और सभी घाटों के दर्शन करेंगे, इसलिए यहाँ पे माला को पवित्र किया जा रहा है शुद्ध जल में। यहाँ देखिए संत बैठे हुए हैं और ये रामायण पढ़ रहे हैं। गीता जी पढ़ रहे हो? रामायण। पुष्कर में अभी पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो हमें सीढ़ियों के ऊपर से ही पूरे पुष्कर की परिक्रमा करनी पड़ेगी। और देखिए मैं सभी घाटों के दर्शन कराऊंगी, सबसे पहले है ये शिवा घाट। आप भी वीडियो देखते देखते घाटों के नाम पढ़ते जाइए और पुष्कर राज को प्रणाम करते रहिए, बहुत ही पुण्य मिलेगा। आज एकादशी का दिन है, मेरे साथ में आप कीजिए पुष्कर के दर्शन। देओ इनको टाइम है, भोलेनाथ महादेव पुष्कर राज ब्रह्मा जी आज एकादशी भी है। बच्चे परिवार के नौकरी मिले, सरकारी पढ़ाई लिखाई में आगे हुए, नंबर आ जाए पहले। जय जय कार, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, बोल वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। इधर से है रास्ता, thank you।
हर जगह पे पूजा पाठ चल रहे हैं क्योंकि श्राद्ध भी चल रहे हैं और ये इंदिरा एकादशी है, श्राद्ध का टाइम है, तो सभी लोग आए हुए हैं काफ़ी दूर दूर से पूजा करवाने के लिए। यहाँ पे पूजा पाठ भी हो रहा है। श्री श्वेत बारा कल्पे जामू दीपे मामा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गऊ घाट पे परिक्रमा करते हुए और यहाँ पे हम लोग भी संकल्प करवाएंगे, पूजा करेंगे, तर्पण करेंगे और फिर उसके बाद में आगे की परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। एकादशी का स्नान का दर्शन का दर्शन का फल देना फल देना मम है समस्त समस्त परिवार परिवार। मछलियों को दाना डालने की, गऊओं को चारा डालने की, गऊओं को दाना डालने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे बना रखी है। आप जब भी आओ तो ये सभी कार्य जरूर करना। यहाँ पर पंडित लोग अवेलेबल होते हैं और बहुत ही मिनिमम रेट में आपकी पूजा पाठ करवा देंगे। जो भी आपका सामर्थ्य हो वो इनको दीजिए और पूजा पाठ करवा। अब हम चल रहे हैं वाराघाट की तरफ और यहीं पे पगड़ी महोत्सव होगा। हमारे अजमेर के एक पंडित जी है कृष्णानंद जी महाराज, उन्होंने 7 दिन तक यहाँ पर कथा करी है और कथा करने के बाद में सभी से पगड़ी महोत्सव करवाया। यहाँ पर क्या होगा कि पगड़ी को हाथ में लिया जाएगा और सभी लोग जोड़े के साथ में चलेंगे और 52 घाट की परिक्रमा करेंगे और पगड़ी को हर घाट पे जल से छुआया जाएगा और फिर लाके 12 घाट पे यहाँ पे भेंट किया जाएगा। यही पगड़ी महोत्सव होता है। जैसे कि चुनरी महोत्सव होता है उसी तरीके का पगड़ी महोत्सव हो रहा है। हम लोग काफ़ी लेट हो रहे थे इसलिए हम लोग ज़्यादा वहाँ पर रुके नहीं, निकल गए थे, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। ये जो बैठे हैं ना सामने, ये कृष्णानंद जी महाराज है और आज ही इनका अवतरण दिवस भी है। और फिर इस तरह शारदीय एकादशी की 52 घाट की परिक्रमा संपूर्ण होती है और यहाँ पे हम जहाँ से शुरू किया था वहाँ आके हम लोगों ने वापस से संकल्प किया और भगवान का शुक्रिया अदा करा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जब भी मौका मिले पुष्कर जरूर आइएगा, जरूर आइए।